Metal Academy. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब त्रिभुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज दे देता है तब हम कैसे काउंट करेंगे, कैसे आसानी से लोग काउंट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान तरीका है, इसको आप गिन लीजिए। देखिए तीनों तरफ ये कितना रहेगा, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। इसी प्रकार ये चार का देगा तो एक दो तीन चार हमें गिनना रहेगा, एक दो तीन चार। ये इधर भी गिनेंगे तो एक दो तीन चार ही आएगा। कैसे करते हैं, पहले इन अंकों को आप लिख लीजिए, फिर क्या करिए एक की जगह एक, फिर अगला अंक जब लिखेंगे तो जैसे हम सांख्यिकी में नहीं करते थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे मध्यमान के बाद, उसी प्रकार यहां करना है। तो यहां एक, फिर एक में दो जोड़ेंगे तीन, फिर तीन में तीन जोड़ेंगे छह, कितना हुआ दस हुआ। फिर अगली बार क्या करना है, एक छोड़कर, क्या करना है एक छोड़ के, तो अगर हम इसको छोड़ेंगे तो किसको लेंगे तीन को, तो दस तीन तेरह, तो टोटल कितने बन गए तेरह बन गए। इसी प्रकार इसमें जब आप देखेंगे, अच्छा अब यहां देखिए छह को तो हमने छोड़ दिया, अब हम किसको लेंगे तीन को, फिर किसको छोड़ देना है एक को, और जो भी आएगा वहां नीचे जोड़ देंगे। इसी प्रकार हम चार वाला करते हैं तो एक के सामने एक, फिर एक में दो जोड़ा तीन, फिर तीन में तीन जोड़ा छह, छह में चार जोड़ा दस। अब हमें क्या करना है, एक छोड़ के एक लेना है तो हमें किसको छोड़ देना है दस को, फिर छह, फिर किसको छोड़ना है तीन को, फिर किसे लेना है एक। तो ये पूरा काउंट कर लेंगे, ये पूरा काउंट कर लेंगे, तो एक तीन चार, चार छह दस, और दस बीस, और एक छह सात, तो बीस सात कितने बन गए सत्ताईस बन गए। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहां एक दो तीन था, हमने उन अंकों को लिख लिया, तीनों तरफ से ये जो खाली स्थान है वो क्या मिलेंगे तीन ही मिलेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक। तो हमने एक दो तीन लिख लिया, फिर क्या किया एक के सामने एक, फिर यहां पर दो है तो एक में दो को जोड़ करके हमने क्या लिख दिया तीन लिख दिया। इसी प्रकार तीन में तीन को जोड़ करके हमने क्या लिख दिया छह लिख दिया, और सबको आपस में जोड़ लिया तो छह तीन नौ, नौ दस, दस हो गए ये। फिर हमें क्या करना होता है, हमें फिर से इसको काउंट करना होता है और एक छोड़ के काउंट करना होता है, तो एक हमने छोड़ दिया, फिर हमने ये लिया, फिर एक छोड़ दिया, अब आगे कोई है नहीं तो इसलिए इसमें कितने आए केवल तीन आए, तो दस तीन तेरह। और यहां पर भी यही काम किया, तो हमने पहले सबको लिख लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया फिर विपरीत क्रम में इसको काउंट किया, तो एक छोड़ दिया दूसरा लिया, तीसरा छोड़ दिया चौथा लिया, तो इसको ये हमने काउंट किया तो एक तीन चार छह दस, दस बीस, और बीस सात सत्ताईस हो गए। ओके अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा जिसको आपको करके लाना है। प्रश्न क्या है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई ऐसी आकृति बनी हो उसमें आपको त्रिभुजों की संख्या गिननी हो तब आप क्या करेंगे। तो यहां पे आपको
कुल त्रिभुजों की संख्या गिननी है। आप त्रिभुजों की संख्या कैसे गिनेंगे? ऑप्शन है 44, 50, 60 और डी ऑप्शन है 36। दूसरा प्रश्न आपके लिए है, इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। धन्यवाद।